अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम आज अब जो क्या हुआ है कैनन का 60D एंड 7100 बॉडी और साथ में 5D मार्क टू बॉडी लेके एंड तीनों के साथ हमने 50mm लेंस लगाया हुआ है और इसके साथ हम जो है ना जो 60D बॉडी उसके लिए 5500 लेंस और 7100 के लिए 18140 एंड 5D मार्क टू के लिए 28105 लेंस लेके आए हैं जो फुल फ्रेम का लेंस है। तो वीडियो देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक एंड शेयर लाजमी क्या करो, और दूसरी बात जो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड साथ में व्हाट्सएप नंबर भी, और वीडियो को पूरा देख लिया करो, कहीं से स्किप मत किया करो और सब्सक्राइब लाजमी किया करो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको 60D से शूट करवाएंगे, 60D बॉडी है और हमारे पास इसके साथ 50mm लेंस हमारा लगा हुआ है। ये हम मैनुअल पे चलाएंगे और इसका अपर्चर हम 1.8 अपर्चर पे लगाएंगे। तो इसके शूट करेंगे, सबसे पहले ऑन कर देते हैं और इससे पहले शूट कर देते हैं और इसका शूट हमने करके दिखाया, लेकिन इसका ISO अब हम दिखा दिया। अगर दिखाया तो ये देख सकते हो आप लोग, हमारा जो शूट हो गया है देख सकते हो आप लोग इसको, हमारे जो सामने प्रोडक्ट है बिल्कुल क्लियर है हमारा जो सामने प्रोडक्ट है, एंड बैकग्राउंड हमारा ब्लर हो चुका हुआ है। देख रहे हो आप लोग इसको, जो हमारा बैकग्राउंड है ब्लर हो चुका हुआ है, सामने जितना भी हमारा प्रोडक्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो चुका हुआ है। तो ये कैनन का हमारा 50mm लेंस है जिसका अपर्चर हमने 1.8 अपर्चर पे लगाया हुआ है। आप लोग देख सकते हो इसको, यहाँ पर हमने इसका अपर्चर 1.8 पे और ISO 320 पे लगाया हुआ है और इसका जो शटर स्पीड है 125 पे लगाया हुआ है। तो ये हमने मैनुअल पे चला रहे हैं, हम ऑटो पे बॉडी नहीं चला रहे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने मैनुअल पे बॉडी लगाई हुई है और इसका अपर्चर जो है ना हमने 1.8 रखा हुआ है, ISO 320 रखा हुआ है एंड अपर्चर 125 रखा हुआ। अब इसी लेंस के ऊपर मैं 18-55 के जिस तरह के अपर्चर होता है तो उसी हिसाब से मैं आपको इसको शूट करूँगा और फिर आप लोगों को दिखाऊँगा कि अपर्चर से क्या कितनी क्वालिटी के अंदर लाइटिंग ज़्यादा होती है। तो अब इसका अपर्चर हम बढ़ा देते हैं, 5.6 पे लगा देते हैं और अपर्चर हम वही रख देते हैं। तो अब इसे हम शूट करते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं जो इसका अपर्चर है, हम दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ये हो गया हमारा जो 18, ये देख सकते हो इधर और लिख के इसको कैमरे को, तो ये देख सकते हो आप लोग इसकी। अब देखो ये हमारा हो गया 18-55 का, ठीक है। इसके अंदर लाइटिंग देख रहे हो आप लोग, डार्क डार्क सा आ रहा है यहाँ पर, और ये बॉडी हमने मैनुअल पे लगाई हुई, लेकिन हमारा जो पर्चर है आप लोग देख सकते हो, पर्चर हमने 5.6 पर रखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग पर्चर हमने 5.6 पर रखा हुआ है, और जो हमारा वो ISO हमने ऑटो पे लगाया हुआ है और जो हमारा शटर स्पीड है 125 पे लगाया हुआ है। तो हम इसको जितना पर्चर हम इसका लो करेंगे ना, पर्चर का ये होता है देख सकते हो आप लोग, जितना हम इसको लो करेंगे ना उतनी हमारी लाइटिंग बढ़ती जाएगी। अगर वीडियो का भी देखें तो वीडियो के अंदर भी अगर 1.8 पे हम रखें तो वीडियो ये लो लाइट हो जाती है, और अगर हम इसको अपर्चर 5.6 पर रखें तो यही समझेंगे कि हम ये 18-55 लेंस है लेकिन इसके अंदर जूम नहीं होता है। तो ये कैनन का 60D बॉडी था, 50mm साथ लगाया था मैंने आपको, तो उसके बाद हम इसके साथ 5500 लेंस लगाते हैं और इसको आपको शूट करवा के दिखाएंगे। तो अभी हम 5500 लेंस लगाते हैं 60D के साथ, लेकिन 5500 के लिए हमें गैप देना पड़ेगा क्योंकि इसको ज़रूरत होती है गैप की, तो हम इसको गैप देते हैं थोड़ा सा और फिर हम क्लिक करके दिखा देते हैं आपको इसका। तो ये हम करते हैं 5500 के लिए, आप लोगों ने देखा कि हमें कितना गैप चाहिए। जो 5500 लेंस है इसके अंदर आपका इंडोर शूट हो जाता है, लेकिन एक बंदे का हो जाता है, ग्रुप फोटो आप इसके ऊपर नहीं ले सकते हो, और आउटडोर के लिए ये होता है कि आउटडोर के ऊपर अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो अगर दूर बंदे 3-4 खड़े हुए तो कोई बात नहीं, इससे आपका आउटडोर ग्रुप फोटो भी हो जाएगा एंड आउटडोर के लिए बेस्ट लेंस है। इसके अंदर आपको इमेज स्टेबलाइजिंग होता है, लेकिन जो इससे हमने शूट किया है वो अब आपको हम दिखा देते हैं आपको। जो 5500 हमने शूट किया ये भी मैनुअल भी किया, इसका पर्चर तो पहले से ही जो है ना आप लोग देख सकते हो, इसका पर्चर पहले से ही 5.6 ही है क्योंकि इसका पर्चर ही 5.6 है, ठीक है, और ISO ऑटो पे लगा हुआ है। हमारा जो शटर स्पीड है 125 पे बेसिकली ये नॉर्मल है, तो इसी से ज़्यादा हम 125 पे यूज़ करना तो बेहतर होता है। तो हम इसकी शूट दिखा दें जो हमने शूट किया, तो ये देख सकते हो ये हमने 5500 से शूट किया, आप लोग देख रहे हो इसको, हमारा जो सामने प्रोडक्ट है बिल्कुल क्लियर है, देख सकते हो आप लोग एक ही चीज़ दिखा रहा है, और जो हमारा बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ब्लर हो चुका हुआ है, लेकिन हम देख सकते हो इसके अंदर हम ग्रुप फोटो नहीं ले सकते क्योंकि ये एक बंदे के लिए यूज़ होता है 5500, अगर इंडोर के अंदर शूट करें और अगर आउटडोर करें तो आउटडोर के लिए ये बेस्ट लेंस है। इसके अंदर आपको सबसे पहले तो इमेज स्टेबलाइजर मिल जाता है, और ये था कैनन का 60D मॉडल जिसकी खाली बॉडी का प्राइस 45K है। कैनन का ये 60D मॉडल है, आप लोग देख सकते हो कंडीशन भी इसकी साफ़ सुथरी कंडीशन है, ज़्यादा यूज़ हुई नहीं है बॉडी। दूसरी बात, हम शटर काउंट नहीं चेक करते हैं, कस्टमर कुछ पूछे कि शटर काउंट चेक करो तो हम चेक नहीं करते हैं। ये 18 मेगापिक्सल है और फोटोग्राफी की सबसे बेटर ऑप्शन है, फोटोग्राफी से सबसे बेटर ऑप्शन है फोटोग्राफी के लिए, एंड उसके बाद वीडियो भी आप हल्का फुल्का बना सकते हैं, वीडियो के लिए भी अच्छी ऑप्शन है अगर आप ना आपको मैनुअल वीडियो बनाना चाहते हो तो, ये बॉडी मैनुअल है वीडियो के लिए, तो ये सबसे अच्छी ऑप्शन है फोटोग्राफी के लिए, और वीडियो आप इसके ऊपर बना सकते हो। तो उसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है कैनन का 5D Mark II बॉडी, ये बिल्कुल मैनुअल बॉडी है, इसके ऊपर ना फ्लैश है
ये बिल्कुल मैनुअल बॉडी, इसके अंदर ऑटो नहीं है, ये मैनुअल बॉडी है और यहाँ हमें मैनुअल चलाना होगा और हम मैनुअल भी शूट करते हैं आप लोगों को। और इसका उसके साथ भी हमने 50 मिली लेंस ही लगाया हुआ है, 5D मार्क टू मॉडल है, तो हम इसे शूट करके आपको दिखा देते हैं कि इसका शूटिंग क्या आता है, ठीक है। तो हमने आपको शूट किया और अभी आप लोगों को दिखा सकते हैं, हम दिखाते हैं इसका कि हमने इसे क्या शूट किया, तो ये दिखा देते हैं हम इसका शूट भी। ये है हमारा 5D मार्क टू मॉडल है ये कैनन का, आप लोग देख सकते हो हमारा जो फ्रंट प्रोडक्ट है बिल्कुल क्लियरिटी इसके अंदर आ रही है और हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है, ठीक है। तो ये 5D मार्क टू मॉडल है जिससे हमने शूट किया, इसको जूम भी कर देते हैं आप लोग को ताकि आप लोग ठीक से देख सको। ये देख सकते हो आप लोग, इसकी हमने प्रोडक्ट शूट किया और ये देख सकते हो ये हमारा प्रोडक्ट है, तो हमने इसको क्लियर किया हुआ है क्योंकि इसका फोकस पॉइंट ही हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो इसका पर्चा रखा हुआ वो भी आपको दिखा देते हैं, हमने 1000 ISO रखा हुआ, 1.8 पर्चा रखा हुआ, हमने शटर स्पीड 125 ही यूज़ करना होता है, तो इसका 1.8 पर्चर है, 50 लेंस है और 1000 ISO लगाया है, तो हमने शूटिंग दिखाई तो हम इस तरह शूट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये 5D मार्क टू मॉडल 50 लेंस का, उसके बाद देख सकते हो हमारा जो प्रोडक्ट है 5D मार्क टू से मैंने ये वीडियो बनाई है और इसके हमने जो पर्चर रखा हुआ है आप लोग देख सकते हो 5.6 पर्चर रखा हुआ है और हमारा जो शटर स्पीड है 60 रखा हुआ है क्योंकि हम इसको ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि बॉडी मैनुअल बॉडी है और जो इसका ISO है हमने 64 रखा हुआ है। बेसिकली हमने इसलिए 64 ISO रखा हुआ है कि इसका पर्चर जो लेंस है 250 मान जाए इसका पर्चर ज़्यादा है और जो हमारा 50 में लेंस था उसका 1.8 पर्चर था। और तो ये था 5D मार्क टू मॉडल, हमने आपको शूट दिखाया और इसको हम फोकस जूम भी करें ताकि आप लोग टीप से देख सको। ये देख सको हमारा जो बैकग्राउंड है बिल्कुल ब्लर हो चुका हुआ है, हमारा जो फ्रंट है ये बिल्कुल क्लियरिटी इसके अंदर आ रही है। एंड दूसरी बात जो है देख सकते हो इसके ऊपर ग्रुप फोटो भी ले सकते हैं क्योंकि 28 से शुरू होता है, ये 2805 लेंस है और ये फुल फ्रेम बॉडी है। इसकी जस्ट बॉडी का जो प्राइस है 60K ₹60,000 है और इसकी कंडीशन भी आप लोग देख सकते हो 10.9 कंडीशन है। कैनन का 5D मार्क टू मॉडल है जो 2805 लेंस लगा हुआ है, इसका प्राइस ₹15,000 है। तो ये पूरा किट 75 में पड़ेगा आप लोगों को, कैनन का 5D मार्क टू मॉडल। तो उसके बाद चलते हैं हम निकॉन का हम आज क्या हुआ 7100 जिसके साथ हमने 18-140 लेंस लगाना है और 50 में साथ में लगा हुआ है, ये भी हम मैनुअल भी यूज़ करेंगे। निकॉन का D7100 मॉडल जो आप लोग देख सकते हो, इससे हम सबसे पहले तो शूट करते हैं आप लोगों को, फिर दिखा भी देते हैं इसका शूट। ये देख सकते हो आप लोग, हमने इसे शूट कर लिया और आप लोग इसको देख सकते हो, ये हमारा 50mm लेंस है D7100 के साथ। इनके अंदर आप लोग आपको शार्पनेस ज़्यादा मिल जाती है, निकॉन के अंदर शार्पनेस अच्छी है कैनन से, तो आप लोग इसको देख सकते हो बिल्कुल इनके क्लियरिटी आ रही है, हमारा जो प्रोडक्ट है बिल्कुल क्लियर है और जो हमारा बैकग्राउंड है बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। आप लोग देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन हमने इसका फर्चर 1.8 रखा हुआ है एंड इसका जो शटर स्पीड है 160 रखा हुआ है और ISO हमने ऑटो पे रखा हुआ है, तो इसका पर्चर आप लोगों ने देखा 1.8 है। तो इनके अंदर बेसिकली खुद ही आपकी शार्पनेस ज़्यादा हो जाती है, जब आपका पर्चर ही कम हो तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी शार्पनेस खुद ही जाना ज़्यादा हो जाता है। तो इसका 7100 मॉडल है जिसका हमने आपको क्लिक की और जो हम इसको जूम भी कर रहे थे, तो बिल्कुल इसके अंदर क्लियरिटी है। और इसके बाद हम आपको 18-140 लेंस लगाते हैं तो उससे आप लोग को शूट करवा देते हैं। इसके जो 18-140 लेंस है ये आपका इंडोर भी यूज़ होता है एंड आउटडोर भी यूज़ होता है, तो इनके अंदर आप लोग ग्रुप फोटो भी ले सकते हो, अगर आपने इंडोर यूज़ करना है तो उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपने आउटडोर यूज़ करना है तो उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसके अंदर जूम है और आप जूम जो है आउटडोर के लिए काम आता है एंड अगर आपने इंडोर शूट करना है तो इसके अंदर आप ग्रुप फोटो ले सकते हो। तो इसे हम शूट करते हैं और आप लोग को दिखा देते हैं। जितनी भी मैं शूट करता हूँ जूम करके करता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लियरिटी नज़र आए और आप लोग को ज़्यादा देख सकते हो उसको। ये देख लो हमारा जो प्रोडक्ट है बिल्कुल क्लियरिटी इसके अंदर आ रही है, आप लोग देख रहे हो इसको, जो हमारा बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो जाता है, जो हमारे सामने प्रोडक्ट है ये बिल्कुल क्लियर होता है। और प्रोडक्ट का ये होता है कि हमने फोकस पॉइंट यही पर रखा हुआ है क्योंकि हमारा फोकस पॉइंट दरमियान में है तो हमारा जो साथ में इधर उधर जो जगह आता है तो वो ब्लर हो जाता है, जिस तरह कि हमारा बैकग्राउंड आप लोगों ने देखा वो ब्लर हो चुका हुआ है और हमारा जो फ्रंट है वो बिल्कुल क्लियरिटी है, देख सकते हो आप लोग ये हमारा सामने है और इनसे बैकग्राउंड देखो बिल्कुल आउट है। तो ये था हमारा 1840 लेंस, इसका जो हमारा 1840 लेंस का जो हमारा फर्चर है 5.6 फर्चर है, लेकिन हमने इसके साथ शटर जो है 160 रखा हुआ है और इसके अंदर ISO हमने ऑटो पे लगाया, तो ये 7100 मॉडल है जिसकी जस्ट बॉडी का प्राइस 60K है एंड 1840 के साथ 80K 80K में मिल जाता है, तो इसकी 10x10 कंडीशन बॉडी है, आप लोग देख सकते हो बॉडी को। निकॉन का D7100 मॉडल है जिसके साथ हमने आपको शूट करवाया और आपको दिखाया, तो सबसे बेटर ऑप्शन 1840 आता है।